हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज अगेन, ए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन अगेन फॉर ऑल ऑफ यू एंड गाइस। इस बार जो मेरा मैसेज है, जो ये सेशन है, ये मास ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, बल्क ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए है। तो गाइस, आपको सबसे पहले तो ये देखना है एनालिसिस करके, बिकॉज ऑब्वियसली एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनालिसिस आप कर ही रहे होगे टेस्ट का, ठीक है। एनालिसिस करके ये देखना है कि आपके मार्क्स आ क्यों नहीं रहे, एंड ये सोचने से पहले कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, कम से कम आपने 7 टेस्ट जरूर दिए हो। 7 टेस्ट का एक बेंचमार्क है 7 टेस्ट। 7 टेस्ट आपने दिए हो, मान लो आपने 2 ही टेस्ट दिए, 2 में आपके 35 से 45 आए और आप बोल रहे हो कि मैं तो इसमें स्टक हूं, तो दैट इज नॉट काउंटेड। 2, 3, 4 टेस्ट से नहीं, कम से कम 7 टेस्ट आपने दिए हो, और 7 टेस्ट देने के बाद भी आपके अगर जो मार्क्स है तीनों चेकलिस्ट करने के बाद भी 45 वो क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए एक सीरियस कंसर्न है। मैं आपको बताऊंगा क्या करना है आप करना, बट पहले देख लो कि टेस्ट कितने दिए। शुरू के 4 टेस्ट में तो मार्क्स वैसे ही कमाते हैं, जिनके मार्क्स अभी 60-65 आ रहे हैं, शायद पहला टेस्ट उनका भी अच्छा नहीं गया होगा, उनके भी 35 से 45 मार्क्स ही आए होंगे। तो शुरू में तो मार्क्स कम आते ही है, बट जैसे जैसे टेस्ट देते हैं वैसे वैसे इंप्रूवमेंट होती है, और इंप्रूवमेंट होते 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 फिर मार्क्स बढ़ते हैं। तो 7 टेस्ट दे चुके हो क्या? अगर 7 टेस्ट आप दे चुके हो और तब भी मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, तीनों चेकलिस्ट कंप्लीट है, तो फिर ये सेशन आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर 7 टेस्ट आपने अभी तक नहीं दिए या तीनों चेकलिस्ट में कोई पॉइंट कंप्लीट नहीं है, तो पहले वो जाके करो और उसके बाद ये फिर वीडियो आगे देखना, तब आपको मेरा पॉइंट समझ में आएगा। तो वो बच्चे अब जिन्होंने 7 टेस्ट दे दिए हैं, तीनों चेकलिस्ट जिनकी कंप्लीट है, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, अब मैं उनसे बात करता हूं। सो गाइस, आप वो स्टूडेंट्स हो जिनका बड़े आराम से 55-60 मार्क्स स्कोर हो सकता है, स्टिल अगर आपका नहीं हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि 2 एरियाज में प्रॉब्लम है। पहला एरिया कि जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते हो, वो जब आप अटेम्प्ट करने के बाद सबमिट करते हो और उसका जब रिजल्ट आता है, तो वो नेगेटिव बन जाता है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक हो जाती है अटेम्प्टेड क्वेश्चन में। दैट कैन बी ए कंसेप्चुअल मिस्टेक, दैट कैन बी ए सिली मिस्टेक। तो ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होगे जरूर, फॉर श्योर, डेफिनेटली 100%, है ना, जिसकी वजह से आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। और सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, और जब अटेम्प्ट ही कम होते हैं तो फिर ऑब्वियसली मार्क्स भी आपके कम आते हैं, ठीक है। तो गाइस, पहली चीज पे हम ध्यान देंगे अभी। पहली चीज क्या है कि आप अटेम्प्ट कर लेते हो और अटेम्प्ट करने के बाद भी आपके मार्क्स नेगेटिव आते हैं, तो गाइस उसके लिए क्या करें आप, मार्क्स नेगेटिव को कैसे कम करें या कैसे रिड्यूस करके जीरो कर दे, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। आप लोगों के लिए जो मिस्टेक्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कैलकुलेशन हो या सिली, आप लोगों के लिए पेपर 3 घंटे का नहीं है, आप लोगों के लिए पेपर 2.5 घंटे का है। सिर्फ 2.5 आवर ही आपको पेपर करना है, बस आप भूल जाओ कि आपके लिए 3 घंटे है गेट एग्जाम में। आप ये ध्यान रखो कि आपके लिए सिर्फ 150 मिनट है हर टेस्ट में। आपको टेस्ट देना है 150 मिनट तक, सोल्व करना है 150 मिनट तक। 150 मिनट के बाद आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे। जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं 150 मिनट के अंदर अटेम्प्ट करो। तो सर बाकी के आधे घंटे का क्या? गाइस बाकी का आधा घंटा ना आप सिर्फ और सिर्फ अपना सॉल्यूशन हर क्वेश्चन का रीचेक करने में लगाओगे। जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं अभी तक इन 2.5 घंटों में, इन 150 मिनट में आपने 35, 40, 45 जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, इन सब क्वेश्चंस को आप लाइन बाय लाइन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन रीचेक करोगे। आप क्वेश्चन को देखोगे, पढ़ोगे, फिर जो सॉल्यूशन आपने किया उसे चेक करोगे कि जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ था, जिस यूनिट में दिया था, आपने उस यूनिट में किया है क्या? कहीं कोई यूनिट में गड़बड़ तो नहीं है? कहीं पे प्लस का माइनस तो नहीं कर दिया? 2 का 3 तो नहीं लिख दिया? 2/3 को 3/2 तो नहीं लिख दिया? आप एक एक स्टेप चेक करोगे हर क्वेश्चन का। आप देखोगे कि क्वेश्चन में आंसर जिस यूनिट में पूछा था आपने उस यूनिट में दिया है क्या, जितने डिजिट्स में पूछा था उसी डिजिट में दिया है क्या। आप एक एक क्वेश्चन इसमें चेक करोगे। तो आखिरी का जो आधा घंटा है ना, उसमें आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। आखिरी के आधे घंटे में आपको सिर्फ सारे क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना है, वेरीफाई करना है।
इवन जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है जहां पर आपने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर टिक किया, वहां भी आप क्रॉस चेक करो कि जो कॉन्सेप्ट आपने लगाया वो सही लगाया ना, या फिर सही लगाते लगाते टिक गलत कर दिया। तो आखिरी का आधा घंटा स्ट्रिक्टली आपको बस रीचेकिंग करनी है अपने पेपर की और कुछ भी नहीं करना। और आप देखना इस रीचेकिंग करने से ना आपके 5 से 6 क्वेश्चंस जो शायद गलत हो सकते थे वो सही हो गए। और जब वो सही हो जाएंगे तो आपके जो मार्क्स जो 35 से 45 के बीच में आ रहे हैं ना, उसमें 5 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स का ग्रेस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा और आप ये साइकिल ब्रेक कर दोगे। तो आखिरी का आधा घंटा डेडिकेट टू रीचेकिंग ओनली, नॉट एनी अदर थिंग। नाउ द पॉइंट नंबर टू, द पॉइंट नंबर टू इज कि आप जो को सब्जेक्ट्स कर चुके हो उसके क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है। तो गाइज अगर कहीं ना कहीं एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट देने से पहले आप एक बार पीवाईक्यूज के टेस्ट दे दो। आप एक बार पीवाईक्यूज के टेस्ट दे दो, आपको 3 घंटे टेस्ट कैसे देते हैं वो समझ में आ जाएगा। ज्यादा नहीं, 5 साल के दे दो, ठीक है, 5-6 साल के दे दो, 5-6 दिन तक आपको समझ में आ जाएगा कि टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, बिहेव कैसा करना है उस 3 घंटे के अंदर, क्वेश्चन को स्क्रीन में देख के क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं, वो एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसके बाद जितने भी सब क्वेश्चंस पेपर, जितने भी मॉक टेस्ट आपने अब तक दिए, क्योंकि आप 7 टेस्ट तो दे ही चुके हो मेरी अजम्पशन है, तो इन 7 टेस्ट के अंदर उन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन जो सब्जेक्ट्स आप कर चुके हो उन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से अटेम्प्ट करो। अगर हो सके तो उन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स एक बार दोबारा से पढ़ो। अगर हो सके तो उन सब्जेक्ट्स के, उन टॉपिक्स के, उन चैप्टर्स के जो पीवाईक्यू से, एक बार दोबारा से करो और फिर उन क्वेश्चंस को दोबारा से अटेम्प्ट करो। आगे बढ़ने से पहले उन क्वेश्चंस को जो हम कर सकते थे बट कर नहीं पाए ड्यू टू द लैक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, उन क्वेश्चन को हमें करना है। अपना अगला टेस्ट बाद में देना, पहले उन क्वेश्चन को देखो, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक अगर नहीं हो रही है फिर भी मार्क्स कम आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एप्लीकेशन, तो आपको देखना है कि वो किस किस टॉपिक में से क्वेश्चन आए थे, उन टॉपिक्स को एक बार दोबारा पढ़ना है, उन टॉपिक्स के पीवाईक्यूज दोबारा सॉल्व करने हैं और उन क्वेश्चंस को एक बार फिर से अटेम्प्ट करना है फ्रॉम दो 7 टेस्ट। और फिर से देखो कि आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो सेकेंड टाइम में, बिना टेस्ट के आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो क्या। अगर दोबारा पढ़ के पीवाईक्यूज करके वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं तो मतलब गेट में हो जाएंगे। फिर भी अटेम्प्ट नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, जस्ट चेक द सॉल्यूशन एंड फाइंड आउट कि कहां प्रॉब्लम आ रही थी अप्लाई करने में। और जो भी वो मेन पॉइंट था जो आपको समझ नहीं आ रहा था लेकिन आंसर देख के समझ में आ गया, उस पॉइंट को अपने नोट्स में लिख दो, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब तुम नोट्स की रिवीजन करो तो वो पॉइंट भी आपका रिवाइज हो जाए। और इस एक्सरसाइज को करने के बाद ही फिर आप अगला टेस्ट देना, ठीक है। जब तक ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक अगला टेस्ट मत देना। तो वो सारे सब्जेक्ट्स जो आप करके गए हो, अगर उनमें से आपका कोई टॉपिक पेंडिंग है, कोई क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट नहीं हो पाया, तो पहले उस टॉपिक को करके, उसके पीवाईक्यू करके, उस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करो। दोबारा अटेम्प्ट करते टाइम हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो सॉल्यूशन देखो और फाइंड आउट करो कि क्यों अटेम्प्ट नहीं हो रहा था, उस पॉइंट को नोट्स में लिखो, नोट्स को रिवाइज करो और फिर अगला टेस्ट दो। मैं पक्के गारंटी से बोलता हूं नेक्स्ट टाइम में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो गाइस जितने भी दिन पेंडिंग है उन दिनों में ये जो बात मैंने आपको बताई इस बात को इम्प्लीमेंट करना। जो भी टेस्ट आप दोगे आखिरी का आधा घंटा रीचेकिंग के लिए, और जितने भी टेस्ट आपने दिए उसमें जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन थे कंप्लीटेड सब्जेक्ट के, उन क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक्स को दोबारा पढ़ो और उन क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करो। जो भी इंपॉर्टेंट बात लगे नोट्स में लिखो और फिर अगला टेस्ट दो और देखना, यू विल सी द मैजिक, आपके मार्क्स स्काई रॉकेट करने लगेंगे। करो। हेलो गाइस, टू इम्प्रूव योर रैंक, अपना रैंक इंप्रूव करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक्सपर्ट गाइडेंस की, क्वालिटी कंटेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई नो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शायद अनअकैडमी प्लस पर मुझसे नहीं पढ़ा है, एंड गाइस देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस मुझसे पढ़ने में, बाकी फैकल्टी से पढ़ने में, देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस। और ये आप उन बच्चों से पूछ सकते हो जो अनअकैडमी प्लस पे मेरे स्टूडेंट्स हैं, या उन्होंने जो नोट्स बनाए होंगे उन नोट्स की हेल्प से भी आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस आ जाता है कि जब आप एक क्वालिटी एजुकेटर से पढ़ते हो। तो एक्सपीरियंस मैटर्स, एंड आई एम द मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी इन द गेट केमिकल इंजीनियरिंग। सो गाइज वो गैप ब्रिज करने के लिए,
और लास्ट के 20 दिनों में गेम चेंज करने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर आप लोगों के लिए आया है, जिसमें आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन परचेस कर सकते हो, जिसकी कॉस्टिंग वैसे तो 7000 है, बट इस नए साल के उपलक्ष में गेट प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए इस ईयर 2024 में आपके लिए वो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 2024 रुपीज के अंदर मिलेगा। गाइस, ये अपॉर्चुनिटी मिस मत होने देना, बिकॉज ये लास्ट का 1 मंथ बहुत क्रुशल है। अगर इस लास्ट के 1 मंथ में 2 या 3 सब्जेक्ट भी आप चिप इन कर लेते हो ना, तो वो आपके लिए एक बोनस मार्क्स साबित होंगे। और अगर आप अपना सिलेबस कर भी चुके हो तो भी, जो गाइस मेरी रैंक इंप्रूवमेंट सीरीज है मैथमेटिक्स की, हीट ट्रांसफर की और मास ट्रांसफर की, वो एक गेम चेंजर होने वाली है। बिकॉज जो कंटेंट मैंने वहां दिया है गाइस, वो कंटेंट बिल्कुल ही अलग प्लेनेट का कंटेंट है। जब आप उसे पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा डीप डाइविंग करने का मौका मिलेगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। तो गाइस, ये जो अपॉर्चुनिटी है ये अपने हाथ से मत जाने देना। 2000 बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होता, बट ये 2000 अमाउंट से अगर 2 नंबर भी आपके इंक्रीज करे तो गाइस ये बहुत बड़ा एडवांटेज आपके लिए हो सकता है। और इतनी तो मैं गारंटी देता हूं कि 2 नंबर तो नहीं, ज्यादा ही मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे अगर आप 20 दिनों में ढंग से पढ़ते हो तो। ठीक है, आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन लेट मी नो, एक बार मैं आपसे बात करूंगा और देखूंगा कि किस तरह से आप इस सब्सक्रिप्शन का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो और क्या ऐसे कोर्स है जो आपको करने चाहिए जिससे कि आप अपने रैंक को गेट 2024 में इंप्रूव कर सको। सो लेट मी नो आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। एंड गाइज, रिमेंबर, टेक द सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग द कोड अंकुर073। अंकुर073 मेरा फैकल्टी कोड है, अंकुर073 गाइडेंस कोड है, अंकुर073 इज ए गेटवे टू द एक्सपर्ट गाइडेंस। तो अंकुर073 कोड अप्लाई करने के बाद जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, लेट मी नो, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो, जिससे कि गेट एग्जाम जो कि 4 फरवरी को होने वाला है उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको। सो गेट योर सब्सक्रिप्शन नाउ। ठीक है, द प्राइस इज 2024 ओनली, बट इट इज लिमिटेड टू ओनली 13th January। सो 13th January इज द कट ऑफ डेट जहां तक ये प्राइस आपको मिलेगा, उसके बाद ये 1 मंथ का प्राइस दोबारा से उतना ही हो जाएगा जितना है। तो अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हो, लेट बेनिफिट लेने का कोई मतलब भी नहीं है, फिर दिन भी नहीं बचेंगे। तो अभी आप इसको लेकर अपनी जो जर्नी है वो कंटिन्यू करो, मुझे बताओ, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस सब्सक्रिप्शन का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। सो ऑल द बेस्ट गाइस, आई विल सी यू इन द क्लासेस वेरी सून, लेट्स क्रैक इट।